Assalamu alaikum, how are you? You are good. Today we are going to start a new exercise, exercise 9.4. Let us start from question number 1. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है. Write the time below the clocks using past or future. Past or future का यूज करते हुए हमें नीचे जो क्लॉक बनेगा उसकी टाइमिंग को लिखना है. पास का मतलब हम जानते हैं, क्लॉक के सेंस में अगर बात की जाए तो अगर किसी क्लॉक में कुछ बजने के बाद कुछ और मिनट जब होते हैं, जितने ज्यादा मिनट होते हैं तो उसको हम क्या इस वर्ड से दिखाते हैं, पास. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मानते हैं कि घड़ी उसमें 7:25 हो रहा है तो हम ये कहेंगे 25 मिनट आगे हो चुके हैं 7 बजने के बाद, ये कहेंगे 25 मिनट पास हो चुका है किससे, सेवन. इसी तरीके से टू तब तब यूज करते हैं जब कुछ मिनट बाकी होते हैं कुछ बजने में. जैसे मान लीजिए अगर हम ये कहना चाहते हैं कि 10 मिनट बाकी है 3 बजने में तो हम कहेंगे 10:02:03. तो इसे और अच्छे तरीके से देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू. जैसे इसमें फर्स्ट फिगर्स को देखते हैं, ये 12 है, ये 6 है, ये 9 है, 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, 10 है और ये 11 है. अब इसे देखते हैं, इसमें सबसे पहले क्लॉक में आपके कितने बज रहे हैं. ये आपका 2 है और ये आपका 5 है. इसमें हम देख सकते हैं किस घड़ी में 2 बज चुके हैं और 2 बजने के बाद कितने मिनट हो रहे हैं, ये वाली हैंड बताता है मिनट, तो 5 मिनट और हो चुके हैं. तो 5 मिनट और हो चुके हैं तो इसको हम दिखाएंगे पास. तो लिखे कि कितने मिनट पास हुए हैं, 5 मिनट पास. कितने से हमें वो बताना पड़ेगा, 2 से. या इसका आंसर होगा 5 मिनट पास 2. 2:05 हो चुके, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए. आपकी नेक्स्ट फिगर कुछ ऐसी है, बी. बी को देखें तो बी का बी क्लॉक कुछ इस तरीके से है. आर से हम देखें इसमें क्या है, 8 और 9 के बीच में हम क्लियर जानते हैं कि इसमें 8 बजे. मिनट को देखते हैं, इसमें कितने मिनट हो रहे हैं, 30 मिनट हो रहे हैं, क्योंकि 5, 10, 15, 20, 25, 30 मिनट. और 30 मिनट को हम क्या कहते हैं, हाफ, आधा घंटा कहते हैं. तो इसमें लिखा क्या जाएगा, 8 बज रहे हैं और 8 बजने के बाद 30 मिनट और हो चुके हैं, इसका मतलब 8:30 हो रहे हैं. तो 30 मिनट को हम कहते हैं हाफ, तो लिखेंगे हाफ. और 30 मिनट हो चुके हैं तो लिखेंगे हाफ पास, क्योंकि हो चुके हैं क्या, कितने हो रहे हैं, 8. तो लिखा जाएगा हाफ पास 8. ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर बी. अब इसी तरह से सी में भी होगा. सी में भी क्या लिखा जाएगा, देख सकते हैं 2:20 हो चुके हैं, 20 मिनट और हो चुके हैं, तो लिखेंगे जब और हो चुके हैं तो लिखेंगे 20 मिनट पास 2. अब आते हैं क्या लिखा क्वेश्चन नंबर डी पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी को. डी में क्या है, ये कुछ इस तरह से बनी हुई है, ये 8 सेकंड है, ये 8 सेकंड जो है बिल्कुल 4 तक पहुंचने वाली है. क्यों 4 तक पहुंचने वाली है, क्योंकि मिनट 55 हो चुके हैं, 5 मिनट और
फोर आपको बच जाएंगे। इसका मतलब अभी चार नहीं बचे हुए हैं, चार जब नहीं बचे हुए हैं तो हम ये कहेंगे कि पांच मिनट और अगर हो जाए तो कितने बच जाएंगे, चार मिनट। तो पांच मिनट बाकी है ना, तो बाकी इससे लिखते हैं हम टू से, लिखेंगे फाइव मिनट्स टू फोर। इसका मतलब फाइव मिनट्स टू फोर का मतलब चार बज गए हैं, पांच मिनट आपके बाद। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर बी की तरह है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर एफ को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ, एफ में जो ब्लॉक बनी हुई है वो ऐसे आर साइड को देखें तो ये थ्री और फोर के बीच में है, जिसमें क्लियर है कि तीन बज रहे हैं, और मिनट हैंड्स को देखें तो बिल्कुल एक पर है। जब भी मिनट हैंड्स सिक्स को क्रॉस कर जाएंगे तब तब हम किसका सेंस लेकर आएंगे, टू का मतलब सेंस लेकर आएंगे। टू का मतलब आप ये बताएंगे कि अगले बज रहे हैं यानी चार बज रहे हैं और कितने मिनट बाकी हैं। इधर देखते हैं पाँच मिनट, दस मिनट, पंद्रह, बीस, बीस मिनट आपके पास है, क्योंकि मिनट्स अब बाकी को दिखाने में क्या लिखते हैं, जो लिखते हैं कितने बज रहे हैं, बीस मिनट बाकी हैं, चार, क्योंकि अब ये आर साइड में किस पड़ जाएगी, फोर पड़ जाएगी, तो क्लियर है इसमें अब फोर बजने वाले हैं, तो हम लिखेंगे बीस मिनट और बाकी हैं, चार बजे हो जाएगा ट्वेंटी मिनट्स टू फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं एच को, एच क्या है, एच में ये है, इसमें देखते हैं जो आर साइन है वो वन और टू के बीच में है, तो क्लियर इसमें कि एक बज रहे हैं और मिनट में आपकी फाइव पर है, तो इसका फाइव का मतलब ट्वेंटी फाइव मिनट, तो 25 मिनट हो चुके हैं एक बजने के बाद, एक बजकर 25 मिनट हो गए, लेकिन ये 25 मिनट पास कितने से पास हो चुके हैं, वन, तो एक बजकर 25 मिनट लिखेंगे 25 मिनट पास वन, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एच। अब सेम इसी प्रोसेस से इसमें जो बचे हुए हैं उनको भी आप सॉल्व कर लेंगे, तो क्लास नंबर एक खत्म कर रहे हैं, ठीक है, काम है।